दोस्तों, ड्रामे की शुरुआत होती है हमारी फीमेल मेल लीड से, जिसका नाम की जाओ होता है और आज उसकी शादी थी। बट शादी के दिन है, जिस इंसान से उसकी शादी हो रही थी वो सभी के सामने उस पर ये एलिगेशन लगाता है कि इसका अफेयर चल रहा है किसी और लड़के के साथ। इसी तरीके से सभी के सामने वो जाओ की फोटोज भी दिखाता है जिसमें वो एक लड़के के साथ होती है। बट दरअसल ये बात तो वो भी जानता था कि जिस लड़के के साथ वो है वो कोई और नहीं है बल्कि उसका काफी अच्छा दोस्त है। एंड जब इसी तरीके से जाओ की सभी के सामने बेइज्जती हो रही होती है तो नीचे ही एक लड़की भी खड़ी हुई होती है और वो ये सब देख कर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। ये सब कुछ देखने के बाद जाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो सभी के सामने उनको बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि ये मुझे फंसाने की साजिश है। और वैसे भी अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो इस शादी को करने का फायदा क्या है। इसी तरीके से वो सभी के सामने बोलती है कि मैं इस शादी को यहीं पर ही तोड़ रही हूँ। ऐसे ही कहने के बाद जैसे ही वो वापस से जा रही होती है तभी उससे याद आता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना भूल गई, अपने पति को लात मारना। इसी तरीके से वो वापस आती है और अपने पति को लात मार कर वहाँ पर से भाग कर चली जाती है। जब वो वहाँ पर से जा ही रही होती है तभी उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ती है जो कि वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रो रहा होता है। उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन उसको वो चुप बिल्कुल भी नहीं करा पाती है। जाओ उसके सामने आती है और वो अपने पति की फोटो देखती है जिसमें उस बच्चे ने ड्राइंग बनाई होती है और ये सब कुछ देखकर वो हंसने लग जाती है। जाओ उस बच्चे के पास जाती है और उसके बाद उसके सामने जो लड़की खड़ी हुई होती है उससे कहती है कि वो उसका ध्यान रख लेगी तो वो वहां पर से जा सकती है। थोड़ी देर में वो उस बच्चे के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बच्चा उससे बोलता है कि उसका नाम रो है। तो इसी तरीके से जाओ उसे चुप कराने की कोशिश करती है और थोड़ी ही देर में वो बच्चा चुप भी हो जाता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर भाग कर उसके डैड आते हैं जिसका नाम फेंग होता है और वो रो के सामने आकर उससे कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चले गए थे। फेंग को देखकर जाओ को ऐसा लगता है कि वो एकदम लापरवाह डैड है तो वो खड़े होती है और उसके बाद गुस्से में फेंग से बोलती है कि तुम्हें अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बिना यहाँ पर कितना ज्यादा परेशान हो रहा था। तो फेंग उससे माफी मांगता है। उसके बाद जाओ उससे बोलती है कि कोई बात नहीं बट नेक्स्ट टाइम से तुम ध्यान रहना। इसी तरीके से वो उसे बाय बोलकर वहां पर से चली जाती है। जैसे ही जाओ वहां पर से जाती है तो रो जोर जोर से रोने लगता है और जाओ की तरफ इशारा करते हुए अपने डैड से कहने लग जाता है कि मुझे मॉम चाहिए। तो दूसरी तरफ शादी टूटने के बाद भी जाओ बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि जो शादी वो कर रही थी वो उसके मन पसंद की शादी नहीं थी बल्कि उसके घर वालों के कहने पर वो ये शादी कर रही थी। और जाओ का मानना तो यही था कि शादी करो तो उस इंसान से करो जिसे तुम जानते हो, जिसे तुम पसंद करते हो और उसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। लेकिन वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत में आने से बच जो गई थी इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। इसी तरीके से जब वो पार्टी कर रही होती है तभी उसका पैर फिसलता है और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है तभी वहां पर एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है। एंड वो लड़का कोई और नहीं होता है बल्कि में होता है फेंग। पार्टी में जाओ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जिस लड़के ने उसे पकड़ा हुआ है वो लड़का उसका हीरो है और तो और वो किसी ड्रामे की हीरोइन। ये सब कुछ देखकर वो फेंग के क्लोज आने लग जाती है। जाओ का ये बिहेवियर देखकर फेंग को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी वहां पर फेंग के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जाओ फेंग को परेशान कर रही है इसलिए जाओ फटाफट से फेंग का हाथ पकड़ती है और उसके बाद उसे खींच कर अपने साथ लेकर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो फेंग के क्लोज आती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि तुम इतने दिनों से कहां पर थी, मैं तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, काफी लेट एंट्री मारी है मेरे हीरो ने मेरी लाइफ में, अगर मेरी शादी आज टूटी नहीं होती ना तो मैं किसी और की हीरोइन बन जाती और फिर तुम सिंगल ही रह जाते। उसकी बातों को सुनकर फेंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये बोल क्या रही है बट फिर भी वो चुपचाप बस उसकी बातें सुनता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जाओ की आंखें खुलती है तो उसका सर बहुत ही तेज दर्द हो रहा होता है बट फिर भी उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बट जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तो उसकी नजर फेंग पर पड़ती है और एक अनजान लड़के को देखने के बाद वो एकदम हैरान हो जाती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है इसीलिए वो बहुत तेज चिल्लाती है। जाओ को तो ऐसा लगता है कि फेंग उसे किडनैप कर वहां पर लेकर आया है और उसके बाद वो उसका फायदा उठाना चाहता है। बट जैसे ही फेंग उससे रात की बातें बताता है तो उसके बाद जाओ को सारी चीजें याद आने लग जाती है कि किस तरीके से रात को वो फेंग को किस करने वाली थी लेकिन ये सब होने से पहले ही वो उसी के सामने बेहोश हो जाती है। फेंग ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद जैसे ही वो उसे अपने रूम में लेकर आता है तो वो खड़ी हो जाती है और उसके बाद फेंग का जीना ही हराम कर देती है।
फिर फैंग उससे बोलता है कि कल रात को तुमने मेरी जो हालत की ना उसी की वजह से अब तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो जाओ उससे बोलती है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट। तो फैंग उससे बोलता है कि मेरी बीबी और मेरे बच्चे की माँ बनने का, और वैसे भी अगर तुम इन चीजों से मना करोगी तो तुमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को रात को साइन कर चुका है। वो जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाता है तभी वहाँ पर रो भी आ जाता है। जाओ तो उस पेपर को देखने के बाद एकदम हैरान हो जाती है और उसके बाद उससे कहती है कि ये सब तुमने मुझसे नशे की हालत में करवाया था, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डेफिनेटली फॉलो भी नहीं करूंगी। तो फैंग उसे बोलता है कि ओके, अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना है तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बदले में इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे देना, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। जाओ उससे बोलती है कि 1 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए मजाक हो रखे हैं क्या, क्यों दूंगी मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर फैंग उससे बोलता है कि ओके, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करूं, मैं तुमसे पैसे भी नहीं मांगूंगा, और वैसे भी तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को कौन से जिंदगी भर फॉलो करना है, कुछ ही टाइम की तो बात है, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तरीके से सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर कि वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जाओ अभी भी राजी नहीं होती है और उसे कहती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करेगी और वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे की माँ भी नहीं बनेगी। लेकिन फैंग अपने बच्चे की जिद किसी भी तरीके से पूरी करना चाहता था और उसे ऐसा भी लगता था कि जाओ उसकी एक बहुत अच्छी माँ बन सकती है, इसीलिए तो उसे किसी भी हालत में जाओ से अपनी बात मनवानी थी। लेकिन जाओ तो उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फैंग एक नंबर का ठरकी इंसान है। लेकिन फैंग तो जो कुछ कर रहा था वो अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए और अपने बच्चे को एक माँ का प्यार देने के लिए कर रहा था। बट जाओ की बातों को सुनकर फैंग अच्छे तरीके से समझ चुका था कि इस तरीके से सीधी उंगली से तो वो बात मानेगी नहीं, इसीलिए उसे उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। वो उसे उसकी रात की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें कि वो एक बच्चे की तरह रो रही होती है और फैंग को अपने साथ रहने के लिए बोलती है क्योंकि कल रात को तो फैंग उससे अपना हीरो लग रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद भी जाओ बिल्कुल भी अपना इरादा नहीं बदलती है और उसके बाद वो जैसे ही वहाँ पर से जाने वाली होती है तभी जोर जोर से रो वहाँ पर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर फैंग उसे चुप कराने लग जाता है और जैसे ही जाओ ये सब देखती है तो उसे भी काफी बुरा लगता है रो को देखकर, इसलिए वो उसके पास आती है और उसके बाद उससे चुप कराती है और उसके बाद उससे बोलती है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारी मॉम बनने के लिए तैयार हूँ। देन फैंग जाओ से बात करता है और उसके बाद उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में गलत सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ वो अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, दरअसल काफी छोटी उम्र में इसकी मॉम इस दुनिया से चली गई थी, भले ही मैं कितना भी ट्राई कर लूँ लेकिन मैं उसकी मॉम की कमी पूरी नहीं कर सकता हूँ। आज तक जो रिस्पॉन्स उन्होंने तुम्हें देख कर दिखाया है वैसा रिस्पॉन्स उसने किसी भी लड़की को देख कर नहीं दिखाया है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उसकी माँ बनो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी गलत फायदा नहीं उठाऊंगा और तुम्हें ये सब सिर्फ कुछ टाइम के लिए करना। जाओ उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो गई हूँ सिर्फ रो की वजह से, लेकिन उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, भले ही मैं उसकी माँ तो बनूंगी लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी और हमारा ये साथ सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ऐसा ही कहकर दोनों के बीच डील डन हो जाती है जहाँ पर की जाओ कुछ पैसों के बदले रो की माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम की चैन होता है और वो जाओ से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, और तो और चैन उसे लड़के की गर्लफ्रेंड थी जिस लड़के से जाओ की शादी होने वाली थी और इस लड़के का नाम ली होता है। चैन ली से कहती है कि जाओ यहाँ पर से भाग तो गई है लेकिन किसी भी हालत में हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा और जब तक हम उसका खेल खत्म नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। ली भी उसकी बातों से सहमत होता है और जैसा वो कहती है वो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार भी हो जाता है। दूसरी तरफ जाओ की एक नई लाइफ शुरू हो गई थी जहाँ पर की वो काफी खुश थी और उसके बाद वो अपने इंस्टा पे लाइव आती है जहाँ पर की वो सभी को अपना नया घर और अपनी नई फैमिली भी दिखाती है। एक्चुअल में जाओ एक इन्फ्लुएंसर भी होती है तो उसे काफी लोग जानते हैं, लेकिन वो अभी इतनी फेमस नहीं होती है जितनी फेमस चैन होती है और चैन कभी ये चाहती भी नहीं थी कि वो इतनी फेमस हो जितनी वो है। थोड़ी ही देर में जैसे ही चैन उसकी लाइव वीडियो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो कहीं और नहीं है बल्कि यहीं कहीं है और वो इस बात को ली को भी बताती है और ली को उसका पता करने के लिए बोलती है। ली उसे प्रॉमिस करता है कि बहुत ही जल्द वो जाओ का पता ढूंढ कर उसे उसके सामने पेश करेगा। तो दूसरी तरफ जाओ अपनी नकली फैमिली के साथ होती है जहाँ पर कि वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं मस्ती मस्ती में। जाओ
फैंग पे पानी डाल देती है और उसके बाद फैंग भी उस पे पानी डालने लग जाता है। वो सभी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर कि उनका एक क्यूट सा डॉगी भी होता है जिसका नाम अमू होता है। वो डॉग होता तो जाओ का है, लेकिन अब वो फैंगोरो के ही साथ रहने लग गया था। और इसी तरीके से वो सभी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में जाओ रो के साथ खेल रही होती है, जिसमें कि वो एक डायनासोर बनी होती है और रो एक सुपर हीरो। लेकिन तभी वहां पर फैंग की एंट्री होती है और फैंग उन दोनों को देखकर बोलने लग जाता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। जाओ उससे बताती है कि वो दोनों खेल रहे हैं, तो फैंग उसके बाद रो को उठाता है और उसके बाद वो उसे वहां पर से लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में शीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि आज फैंग के डैड फैंग से मिलने के लिए आए हैं और इसीलिए वो दोनों के दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उन दोनों को फैंग के डैड के सामने एकदम मैरिड कपल की तरह बिहेव करना है। थोड़ी देर में जैसे ही वो उनकी तरफ देखते हैं तो फैंग के डैड बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और उसके बाद वो उनसे बोलते हैं कि जब तुम दोनों एक दूसरे से मिली गए हो तो आई थिंक पूरे रीति रिवाज के साथ हमें तुम्हारी शादी को कंप्लीट करना चाहिए। इस बात से दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद डैड की बातें तो मान नहीं पड़ रही थी। जाओ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फैंग उसे मनाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसके बाद उससे बोलता है कि तुम शादी कर लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। यहाँ पर जाओ समझ जाती है कि वो उसे फेक शादी करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए वो हाँ भी बोल देती है। थोड़ी देर में फैंग एक लड़की की फोटो देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग के डैड आते हैं और उसके बाद उससे बोलते हैं कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे लड़की अच्छी लग रही है। और वैसे भी कब तक तुम रो को अकेले संभालते रहोगे, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई अब तक, तुमने कभी भी रो को उसके मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने दिया है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि तुम उसे मॉम का भी प्यार दे दो। फैंग के डैड फैंग से जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर एंट्री होती है जाओ की, और जाओ तो कैजुअली फैंग से बातें कर ही रही होती है, लेकिन जैसे ही ससुर जी को वहां पर देखती है तो एकदम शांत हो जाती है और तमीज से फैंग से बातें करने लग जाती है। डैड के वहां पर से जाने के बाद वो फैंग के क्लोज आती है और उसके बाद उसे उस फोटो को दिखाने के लिए बोलती है जिसे वो देख रहा था, लेकिन फैंग उस फोटो को छुपा लेता है। तो जाओ उससे बोलती है कि समझ के तुम इस फोटो को इसलिए छुपा रहे हो ना, क्योंकि ये तुम्हारी वाइफ की फोटो है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी प्राइवेसी, मैं तुमसे सवाल पूछने वाली होती कौन हूँ। बट हाँ, यहाँ पर तो एकदम सख्त लौंडा बन के खड़े हो रखे हो, लेकिन डैड के सामने मेरा हाथ पकड़ने का नाटक कैसे कर रहे थे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, जब तुम्हें ऐसा मौका मिलता है ना तो ऐसे मौके का फायदा मत उठाया करो। लेकिन इतने में ही वहाँ पर रो रोते हुए आ जाता है और जैसे ही वो रो को रोते हुए देखते हैं तो उसके बाद वो दोनों एकदम अच्छे तरीके से उसके सामने बिहेव करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग के डैड आ जाते हैं और उसके बाद वो रो को वहाँ पर से लेकर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पर से जाते हैं तो जाओ चैन की सांस लेती है और उसके बाद गलती से वो फैंग के ऊपर बैठ जाती है। जब उसे एहसास होता है कि वो कहां पर बैठी है तो उसके बाद वो फटाफट से खड़ी होती है और उसके बाद जोर से चिल्लाती है। इस सिचुएशन को देखकर जैसे तैसे करके फैंग अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट डे दोनों की फेक शादी हो रही होती है, जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फैंग उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस एक नकली शादी है और बदले में शादी में जितने गिफ्ट्स जितने पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे और गिफ्ट्स तुम्हारे होंगे, मैं तुमसे फूटी कौड़ी तक नहीं लूंगा। उसकी बातों को सुनकर जाओ काफी ज्यादा खुश जाती है क्योंकि उसे इतने सारे गिफ्ट्स और पैसे जो मिलने वाले थे। लेकिन तभी वहां पर रो की और फैंग के डैड की एंट्री होती है। जैसे ही वो दोनों वहां पर आते हैं तो फैंग और जाओ एकदम हंसी खुशी वाले कपल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तभी जाओ रो के पास आती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। तभी फैंग के डैड उससे बोलते हैं कि कैसे लगी तुम्हें तुम्हारी नई मॉम, तुम टेंशन मत लो, नई मॉम बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारा पूरे तरीके से ख्याल भी रखेगी, वैसे भी आज मॉम को बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। जाओ फैंग के डैड से बोलती है कि क्यों फैंग को गिफ्ट नहीं मिलेंगे। फैंग के डैड उससे बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो सारे गिफ्ट सिर्फ ब्राइड को ही मिलते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद वो फैंग की तरफ देखती है और उसे एकदम क्लियर लुक देती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ पर कि आज वो दोनों एक नए रिश्ते में बनने वाले थे। फैंग को तो इस शादी से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जाओ कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि जो कुछ वो कर रही है कहीं वो गलत तो नहीं कर रही है, क्योंकि शादी कोई खेल तो नहीं है। लेकिन तभी फैंग उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो क्योंकि तुम एक मासूम बच्चे की हेल्प ही तो कर रही हो। जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर जाओ का फियांसे आ जाता है, जो उसके ऊपर पैसे उड़ाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ तो खेला ही, लेकिन अब तुम फैंग की फीलिंग के साथ भी खेल रही हो, पैसों के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो, तुमसे ज्यादा घटिया लड़की तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी। इन सारी बातों को सुनने के बाद जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उससे बोलने लग जाती है कि धोखा तो तुमने किया है मेरे साथ, अपनी गलती होने के बावजूद भी इंजाम सारा मुझ पर डाल रहे हो, तुम अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकते हो, इस बात को मैं अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ।
लेकिन तभी चैन जाओ से बोलती है कि इसकी बातों पे तो तुम्हें भरोसा नहीं होगा, लेकिन मेरी बातों पे तो भरोसा है ना, और मुझे पता है कि तुम कैसी लड़की हो। रू ये सब जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी मॉम को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो उसके पास आता है और उसके बाद उसके हाथ पे काट लेता है। लेकिन तभी वो जब रू को एक थप्पड़ लगाने वाला होता है तो फेंग वहां पर आकर रो को बचा लेता है, और उसके बाद जाओ भी वहां पर आती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम मेरे परिवार वालों से दूर रहो, मुझे तुमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब मेरा हस्बैंड मेरे साथ है तो। उसकी बातों को सुनकर चैन बोलने लग जाती है कि फंसा लिया एक और लड़के को तुमने अपने जाल में, मैं तो फेंग बस तुम्हें इतना ही बोलना चाहूंगी कि इसके जैसी मतलबी लड़की तुमने आज तक नहीं देखी होगी, और अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, इसके साथ शादी मत करो, अपनी लाइफ की बहुत बड़ी मुसीबत में आने से बच जाओगे तुम। फ्री एडवाइस है, लेनी है तो ले लो, और अगर नहीं लेनी है तो जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख लो। इन सारी बातों को सुनने के बाद फेंग सभी के सामने जाओ का हाथ पकड़ता है और उसके बाद उसे रिंग पहनाते हुए उससे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी बोलो, मुझे मेरी वाइफ पर पूरा भरोसा है, तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं उसे जानता हूँ, इसीलिए तो मैं उससे शादी कर रहा हूँ। बाय द वे, फ्री की चीजें मुझे लेनी पसंद नहीं है, इसीलिए अपने फ्री की एडवाइस अपने ही पास रखो। नेक्स्ट डे जाओ अपना बदला लेने के लिए फेंग के लिए एकदम बेकार खाना बनाती है जिसमे से काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। फेंग जैसे ही किचन में आता है तो उसे काफी ज्यादा स्मेल आती है, वो उनसे बोलने लग जाता है कि क्या बना रखा है तुमने आज, कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है। तभी जाओ उससे बोलती है कि स्मेल आ रही है, कितना टेस्टी खाना बना रखा है मैंने, देखो रो ने और मैंने टेस्ट किया और हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। तो फेंग उससे बोलता है कि पागल हो गया क्या, इसी तरीके से वो रो को उठाता है और उसके बाद रो को दूसरे कमरे में छोड़कर आ जाता है। उसके बाद जैसे ही दोबारा से वो जाओ के पास जाता है तो वो उसके क्लोज जाकर उसका मास्क हटाता है। उसके बाद वो देखता है तो उसने तो अपनी नोज के अंदर कॉटन डाल रखा था, इसीलिए तो उसे स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसकी नोज से कॉटन हटाता है तो उसका तो स्मेल से एकदम बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो रो की नोज से भी कॉटन को हटाता है और उसके बाद वो रो से कहने लग जाता है कि तुमने खाना खाया, लेकिन तभी रो उससे बोलता है कि नहीं पहले मुझे मॉम चाहिए। तो फिर उसके बाद फेंग जाओ को खींच कर वहां पर लेकर आता है और उसके बाद उससे बोलने लग जाता है कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे बिना एक पल रह नहीं सकता। तो जाओ उससे बोलती है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, वो तुमसे ज्यादा मुझे पसंद करता है। इतने में ही रात को जब वो सोए होते हैं तभी फेंग को सपने में वही दिन याद आता है जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और वही लड़की उसके सपने में आती है जिसने उसे बचाया था। वो उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था लेकिन आज भी वो उसका चेहरा नहीं देख पाता है। इस सपने को देखने के बाद फटाफट से उसकी आंखें खुल जाती है। तो नेक्स्ट डे रो फेंग और जाओ साथ में होते हैं जहाँ पर की जाओ काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई न्यूज फैल गई थी जो कि बिल्कुल गलत थी। जहाँ वो इतना ज्यादा परेशान हो रही थी उधर ही रो दोनों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। फेंग तो हंस जाता है लेकिन जाओ की टेंशन तो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। लेकिन इतने में ही उसे दोबारा से कॉल आता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो न्यूज किसने फैलाई है और कौन इस न्यूज को और भी ज्यादा फैलाने से रोक सकता है। तो इन सारी चीजों को सुनने के बाद वो डिसाइड करती है कि जल्द से जल्द वो इस न्यूज को रोक कर रहेगी। उसके बाद वो एक आदमी के पास जाती है जिससे वो रिक्वेस्ट करती है कि वो इस न्यूज को फैलने से रोक दे क्योंकि इससे उसकी इमेज सभी के सामने बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन वो लड़का उससे काफी बुरी तरीके से बात करता है तो जाओ उसके मुंह पे पानी फेंकती है। ये सब कुछ देखकर उस गुंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो सब बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी तरीके से वो जाओ के पास जाता है और उसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। लेकिन कुछ ही दूर से उसकी वीडियो फेंग बना रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि वो इंसान कितना बुरा इंसान है और उसी की पोल खोलने के लिए तो वो दोनों वहां पर आए थे। फेंग जैसे ही वहां आता है तो जाओ उससे बोलती है कि तुमने वीडियो बना ली। फेंग उससे बोलता है कि हाँ बहुत ही जल्द इसका खुलासा सभी के सामने हो जाएगा। वो बुड्ढा उन दोनों से बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पर मेरी पोल खोलने के लिए आए थे, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। इस बात को सुनने के बाद फेंग को गुस्सा आता है और उसके बाद वो उसे एक लात मारता है और फिर वो उस बुड्ढे को वहीं पर ही छोड़कर दोनों के दोनों अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं तो जाओ फेंग से पूछती है कि उसने रो को सुबह नाश्ता कराया था। तभी फेंग उससे बोलता है कि हाँ तुम्हें रो की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे नाश्ता करा दिया था। इसी तरीके से वो उसके क्लोज आता है। ये सब कुछ देखकर जाओ काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि फेंग तो उसके क्लोज उसके सीट बेल्ट बांधने के लिए आया था। तो उसके बाद जाओ फेंग से माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसकी वजह से बार बार फेंग और रो मुसीबत में पड़ जाते हैं और अपनी परेशानियों की वजह से तो वो रो पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है। तो फेंग उससे बोलता है कि अरे इसमें माफी मांगने की कौन सी बात है, हम जान सकते हैं कि तुम इस टाइम पर कितने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रखे हो, तुम अपना ध्यान रखो। जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी किसी की कार का वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों ही उनको बचाने के लिए जाते हैं लेकिन जैसे ही फेंग ये सब देखता है तो उसे पुरानी यादें याद आने लग जाती है।
और जब वो यही सारी चीज़ें याद कर रहा होता है तो वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो घर पर लेटा हुआ है, लेकिन उसके सामने ही एक लड़की खड़ी हो रखी है जो हूबहू उसी लड़की की तरह है जिस लड़की ने उसे बचाया था। और जो लड़की उसके सामने बैठी होती है वो कोई और नहीं होती है बल्कि जाओ होती है। ड्रामे की शुरुआत में जाओ ने रो को पकड़ा हुआ होता है और वो उसे सुला रही होती है। जैसे ही फेंग ये सब देखता है तो वो भाग कर जाता है और उसी फोटो को ढूंढने लग जाता है जिसमें एक लड़की थी। तभी जाओ उसके सामने आती है और उससे कहने लग जाती है कि क्या ढूंढ रहे हो तुम। तो फेंग उस फोटो को देखता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये लड़की मुझे मिल ही नहीं रही है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो। जाओ जैसे ही उस फोटो को देखती है तो उसे समझ में नहीं आता है क्योंकि वो उस लड़की का बैक पोर्शन होता है और उस फोटो में उस लड़की का फेस भी नहीं दिख रहा होता है, इसीलिए वो उस फोटो को पहचानने के लिए इनकार कर देती है। वो उससे पूछती है कि कौन है ये लड़की। तभी फेंग उससे बताता है कि इस लड़की ने उसके एक्सीडेंट में जान बचाई थी। अब की बार जैसे ही वो उस फोटो को दोबारा से देखती है तो वो पहचान जाती है और उससे कहती है कि अच्छा तो वो तुम थे जिसकी जान मैंने बचाई थी। तो उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की कार एक्सीडेंट के बाद जाओ फेंग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि कार की पीछे की सीट पे बैठा होता है। वो उस बच्चे को निकालती है और उसके बाद उसे अपने हाथों पर पकड़ लेती है। फेंग उससे बोलता है कि इसीलिए तो मुझे समझ में आया कि क्यों रो तुमसे इतना ज्यादा अटैच है, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया लेकिन वो तुम्हें पहली ही नजर में पहचान गया। एक्चुअल में रो मेरा असली बेटा नहीं है बल्कि उसके मॉम डैड तो इस दुनिया से जा चुके हैं और उसके डैड मेरे भाई थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई थी, उसके बाद से रो को मैंने ही संभाला है। जब फेंग उसे ये सब बता ही रहा होता है तभी जाओ के फोन में बहुत ज्यादा मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। वो बार बार उन्हें स्टॉप कर रही होती है, लेकिन जैसे ही फेंग ये सब देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी जाओ के खिलाफ कितना ज्यादा हेट फैल रहा है। देन हमें दिखाया जाता है जाओ का फियांसे जो उसके खिलाफ सभी के सामने बोल रहा होता है और सभी को उसके खिलाफ भड़का भी रहा होता है और इस सब में उसका साथ कोई और नहीं बल्कि चैन नहीं रही होती है। जाओ जैसे ही अपने फियांसे की वीडियो देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने के लिए जाने ही वाली होती है। तभी फेंग उसे रोक देता है और उससे कहता है कि ये राइट समय नहीं है। कुछ ही टाइम बाद रो जाओ के कुत्ते के साथ खेल रहा होता है तो दूसरी तरफ जाओ और फेंग एक साथ बैठे हुए डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं जहाँ पर की डॉक्टर उन दोनों को बताती है कि रो की तबीयत अब काफी ज्यादा ठीक हो गई है और ऐसा ही रहा तो वो बहुत ही जल्द पूरे तरीके से ठीक भी हो जाएगा और बाकी सारे बच्चों की तरह बिहेव भी करेगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और फेंग इस बात का पूरा क्रेडिट देता है जाओ को और उसे इस बात के लिए थैंक यू भी बोलता है। जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तो रो वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोने लग जाता है। सबको देखकर फेंग भाग कर रो के पास जाता है और दूसरी तरफ जाओ अपने कुत्ते को चुप कराती है। इन सारी चीजों को देखकर जाओ काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रो के रोने के पीछे उसके कुत्ते का ही हाथ था। इसीलिए वो अपने कुत्ते के सामने बैठी होती है तो थोड़ी ही देर पे वहाँ पर दो चोर आए होते हैं जो उसके कुत्ते को चुराने के लिए ही आए होते हैं। जैसे ही जाओ उन दोनों को देखती है तो वो समझ जाती है और उसके बाद उन दोनों को वहाँ पर से भगाने की कोशिश भी करती है, बट वो दोनों चोर उससे बोलते हैं कि वो उसे कुत्ता दे दे, उसके बाद वो उससे बिना पंगे लिए यहाँ पर से चले जाएंगे। लेकिन जाओ तो अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो कितने भी पैसों की कीमत पे अपने कुत्ते को दाव पर नहीं लगा सकती थी। तभी वहाँ पर फेंग भी आ जाता है और उसके बाद फेंग को देखकर वो दोनों चोर वहाँ पर से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ जाओ को उन चोरों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ी रही होती है। तभी फेंग उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि वो अब हमारे हाथ में नहीं आएंगे। जैसे ही जाओ ये सब सुनती है तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उन चोरों को जाओ के कुत्ते को चुराने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि मे चैन ने भेजा था क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि जाओ अपने कुत्ते को कितना ज्यादा प्यार करती है। तो दूसरी तरफ जाओ जब रात में सोई होती है तभी उसे एक बुरा सपना आता है अपने कुत्ते से रिलेटेड और वो उठ जाती है। फेंग उसी के सामने बैठा होता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ। तभी जाओ उसे बताती है कि उसे एक बहुत ही बुरा सपना आया और उसे अपने कुत्ते की फिक्र हो रही है। फेंग उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ और तुम्हारे डॉग के साथ मैं और रो हैं। हम दोनों के होते हुए तुम दोनों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है और ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जाओ काफी ज्यादा रिलैक्स फील करती है और उसके बाद फेंग को गले लगा लेती है। थोड़ी ही देर में वो रो के पास जाती है और उससे सॉरी कहकर ये कहती है कि वो उसका ख्याल नहीं रख पाती है। तभी रो उससे बोलता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ और मैं अपना ध्यान अब खुद रख सकता हूँ और मुझसे ज्यादा परेशान तो आप लग रही है, इसीलिए आप अपना ध्यान रखिए।
जाओ उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं हमेशा अपनी तबीयत का ध्यान रखूंगी और साथ ही तुम्हारा भी। इसी तरीके से वो उसके फोरहेड पर किस करती है और जैसे ही वो ऐसा करती है तो रो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ ही दूर से उन दोनों की वीडियो फैंग बना रहा होता है, तभी जाओ को एक कॉल आता है और जैसे ही वो उस कॉल को उठाती है तो वैसे ही वो वहाँ पर से चली जाती है। फैंग और रो काफी ज्यादा हैरान थे और वो सोचने लग जाते हैं कि किससे मिलने के लिए जाओ इतनी ज्यादा एक्साइटेड है। नेक्स्ट ही हमें दिखाया जाता है कि जाओ एक लड़के से मिलने के लिए गई थी जहाँ पर कि वो उसके लिए बुके भी लेकर आया होता है और उसके ही पीछे पीछे फैंग और रो भी आ जाते हैं जो कि उसे चुप कर देख रहे होते हैं। बट किसी काम की वजह से जाओ कुछ देर के लिए वहाँ पर से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर फैंग और रो आते हैं और दोनों ही उस लड़के को धमकी देने लग जाते हैं और उस लड़के को जाओ से दूर रहने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर उस लड़के को समझ में नहीं आता है कि वो उससे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। तभी रो उनसे बोलता है कि मेरी मम्मी से दूर रहिए और वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। वो लड़का तो वहाँ पर जाओ के साथ कोलैबोरेशन करने के सिलसिले से वहाँ पर आया था, लेकिन वो दोनों तो कुछ गलत ही सोच रहे थे। बट उन दोनों की बातों को सुनकर वो लड़का वहाँ पे से भागकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसी जगह पर एक लड़की आती है और फैंग को अपना ब्लाइंड डेट समझकर उसके सामने बैठ जाती है और उससे कहती है कि ये बच्चा तुम्हारे साथ कौन है। फैंग उससे बोलता है कि ये मेरा बच्चा है। तो उस लड़की को ऐसे लगता है कि फैंग उससे कहना चाहता है कि उसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड देन उसे क्या चाहिए था, वो फैंग के साथ क्लोज होने की कोशिश करती है। ये सब कुछ देखकर फैंग एकदम बच्चे की तरह उस लड़की को देखकर छिपने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर जाओ की एंट्री होती है और जैसे तैसे कर वो फैंग को बचा लेती है। थोड़ी ही देर में वो रो से बोलती है कि शायद तुम्हें तुम्हारी नई मॉम चाहिए, इसीलिए तो तुम उनके साथ बैठे हुए थे। रो उनसे बोलता है कि नहीं, मेरे लिए तो आप ही बेस्ट हो, मुझे कोई नई मॉम नहीं चाहिए। तभी जाओ फैंग से बोलती है कि रो तो अभी बच्चा है, लेकिन तुम तो बड़े चिपक कर उस लड़की से बातें कर रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे। फैंग उससे बोलता है कि अरे नहीं। तो उसकी बातों को सुनकर जाओ स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट डे एक इवेंट हो रहा होता है जहाँ पर कि जाओ और चैन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। चैन मीडिया को देखते ही दोबारा से जाओ के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है और मीडिया जाओ को पूरी तरीके से घेर लेती है और एक के बाद एक उससे सवाल पूछने लग जाती है। इन सारी चीजों को देखकर चैन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी वहां पर फैंग की एंट्री होती है और वो जाओ को बचा लेता है और मीडिया वालों को उससे दूर रहने के लिए बोलता है। इन सारी चीजों को देखकर चैन उससे बोलने लग जाती है कि ये लड़का भी ऐसा ही है। जब वो उन दोनों की बुराई कर ही रही होती है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो सभी को चैन की सच्चाई बताता है, जिसके बाद सारी मीडिया अब चैन को खेल लेती है। इन सारी बातों को देखने के बाद चैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और गुस्से में जाओ की तरफ देखकर बोलने लग जाती है कि तुम इस लड़की को बचा रहे हो, इसी लड़की की वजह से तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाभी की डेथ हो गई, क्योंकि इसी के पेरेंट्स की कार से तुम्हारे भैया भाभी का एक्सीडेंट हुआ था। डैड को जैसे ये सब पता चलता है तो वो घर पर आते ही फैंग पर चिल्लाते हुए उससे कहने लग जाते हैं कि पूरी दुनिया में तुम्हें बस यही लड़की मिली थी क्या? अभी के अभी इस लड़की को हमारे घर से बाहर फेंको, इसी की वजह से हमारी पूरी फैमिली टूटी थी। फैंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि ये सब इसके मॉम डैड की वजह से हुआ है, तो इसमें इसका क्या कसूर है, लेकिन उसके डैड उसकी एक बात भी नहीं मानते हैं। तो दूसरी तरफ जाओ का फियांसे चैन को मिलने के लिए जेल में गया होता है, जहां पर वो चैन का भी मजाक उड़ाता है और उसके बाद उससे कहता है कि ये सब मेरे ही प्लान का हिस्सा था, क्योंकि उस लड़की को सभी के सामने उसी ने भेजा था। इस बात को सुनने के बाद चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अफसोस भी होता है कि आखिरकार उसने ऐसे इंसान पर भरोसा ही क्यों किया। बट ये सब समझने के लिए अब काफी सारी देर हो चुकी थी। तो दूसरी तरफ जाओ घर छोड़कर बाहर आ जाती है और जब वो अकेली बैठी होती है तभी रो उसके सामने आता है और उससे कहने लग जाता है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए, इस तरीके से बच्चे को अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर दो चोर आ जाते हैं जो जाओ के डॉग को चुराने के लिए आए होते हैं। जाओ उन्हें भगाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसका सर लग जाता है। ये सब कुछ देखकर रो भागकर उस गुंडे के पास आता है और उसका हाथ काट लेता है, लेकिन अब उन गुंडों को कुत्ता मिल चुका था इसलिए वो रो को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। थोड़ी ही देर में रो जाओ के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती है। तो उसके बाद वो अपने डैड को कॉल मिलाता है और उनको बताता है कि जाओ बेहोश हो गई है और उसके कुत्ते को चोर ले गए हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद फैंग भागकर आता है और उसके बाद जाओ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही जाओ को होश आता है तो रो उसके पास भाग कर आता है और उससे चिपक कर कहने लग जाता है कि इस बार तो आप चली गई, लेकिन आज के बाद आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। जाओ उससे प्रॉमिस कहती है कि आज के बाद वो कहीं भी नहीं जाएगी।
और बस हमेशा रोकी ही साथ रहेगी। शीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ अपने फियोंसे के साथ ही, जहाँ पर कि वो उससे बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, आखिरकार क्यों तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हो। उसका फियोंसे बोलता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड के जाने के बाद उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दी है। मेरे बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, कितना मक्खन लगाया था मैंने उन्हें, लेकिन सारी ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं आई। जाओ उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों से कुछ भी नहीं लेना है, बस मेरा डॉग सही सलामत मुझे दे दो। फियोंसे उससे बोलता है कि इतने आसानी से मैं तुम्हें तुम्हारा डॉग नहीं दूंगा, तुम्हारे डॉग के बदले में तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। इसी तरीके से वो उसे चाकू देता है और उसके बाद जाओ को उस चाकू से अपने आप को मारने के लिए बोलता है। जाओ बिल्कुल ऐसे ही करती है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर एंट्री हो जाती है फेंग की। फेंग ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और वहाँ पर मीडिया वाले भी आके थे, जिसकी वजह से सभी को पता चल जाता है कि जाओ का फियोंसे कितना बड़ा बुरा इंसान है। थोड़ी ही देर बाद वो जेल में चैन से भी मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि वो उसी की आंटी है। आंटी उसे बताती है कि वो उससे बदला इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि जाओ के डैड को सभी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कभी भी कोई चीज नहीं मिली। वो जाओ के डैड से तो बदला नहीं ले पाए क्योंकि उनकी डेथ जल्दी हो गई थी, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। इन सारी बातों को सुनने के बाद जाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और शाम को जब वो फेंग के साथ होती है तो वो उसके सामने रोते हुए कहने लग जाती है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, एक आंटी भी थी और वो भी ऐसी निकली, उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया। फेंग उससे बोलता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, मैं और रो है तो तुम्हारे। नेक्स्ट सीन में जाओ बहुत ज्यादा अपसेट होती है, इसलिए फेंग और रो उसे हंसाने के लिए फनी सी कॉस्ट्यूम पहनते हैं और उसके बाद उसे हंसाने की कोशिश भी करते हैं। दोनों बाप बेटे के हरकतों को देखने के बाद जाओ अपनी हंसी नहीं रोक पाती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओ को वॉमिटिंग हो रही होती है, जहाँ पर की फेंग उसके सामने आता है और उसकी तबीयत का ध्यान रख रहा होता है। तभी वहाँ पर फेंग के डैड भी आते हैं और उन सभी को पता चलता है कि जाओ प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनने के बाद फेंग के डैड और रो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद वो सभी को पार्टी देते हैं, जहाँ पर की रो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी मॉम के पास आकर उससे बोलता है कि मुझे एक छोटी बहन चाहिए, तो मुझे जल्दी से एक छोटी सी प्यारी सी बहन दे दीजिए। उसकी बातों को सुनकर जाओ हंसने लग जाती है और इतने में ही उसके पेट पर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि अब डिलीवरी का समय जो आ गया था। फेंग उसे कूद पर उठाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहीं पर ही हमारी ये स्वीट सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से नई वीडियो में नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय।